यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 2 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की। यूपी में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि आज राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने तय किया है कि पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं लखनऊ में एक बड़े कोविड हॉस्पिटल को बनाने का सरकार ने भी फैसला किया है। इस वक्त मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी हैं। सर, आज टीम 11 की बैठक हुई, आप लोग उस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? अब मूलतः एक तो हमको सभी जनपदों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो कमी था वो हमारे यहाँ आ चुका है। परसों प्लेन से आया था, कल भी प्लेन जाके लाइए बाकी, और उसका लगभग 2 लाख ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे हम मंगाने जा रहे हैं। ये माना जाए कि जो आज टीम 11 की बैठक में जो डिस्कस हुआ है कि 1000 बेड का नया कोविड अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, वो डीआरडीओ की मदद से राज्य सरकार बनाएगी। हाँ हाँ, डीआरडीओ की मदद से होगा और काफ़ी चीज़ें डीआरडीओ और भी मदद कर रही है, कानपुर में भी मदद करने जा रही है, वहाँ भी वेंटिलेटर और सब कुछ जो भी संभव होगा वहाँ से वो लोग भी देंगे। तो प्रयास हो रहा है कि ये सब जल्दी से जल्दी बनाएं। रेमडेसिविर की डोज सर कितनी आ चुकी होगी इस वक्त पूरे प्रदेश में तकरीबन, अगर अनुमान? 25,000 तो पहले आ चुका था और अभी हमको लगता है 25,000 और आ रहा है। हमने 2 लाख का ऑर्डर और प्लेस कर दिया है, तो जितना जल्दी वो हम ले आएंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, हर जनपद में डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहे हैं। और ख़ास करके 4 जनपद ऐसे हैं जो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, इनमें तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए L3 की व्यवस्था में पेशेंट्स को इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल सर, संडे को आप लोगों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, तो क्या पहले जो लॉकडाउन लगा था वैसी ही स्थिति रहेगी या कुछ थोड़ा सा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा? अभी तो जो मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में कहा था, मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा संडे को, ताकि उसमें हम लोग जो सैनिटाइजेशन और फॉगिंग और जांचें ये सब कराते हैं वो पूर्ण रूप से हम लोग करेंगे उसमें। वीडियो जनरल सर्कुलेशन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।